जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी के दिन चौथ माता की कहानी। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसे संकष्टी चतुर्थी और लंबोदर चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को शांत करने वाली है तथा यह व्रत जो कि संतान प्रदायक है और सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि के लिए यह व्रत जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। इस दिन भगवान गणेश जी के एक दंत नामक गजानन की पूजा की जाती है। चतुर्थी के व्रत में जो कि दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से जब चंद्रोदय हो उससे कुछ पूर्व ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 24 जून 2024 दिन सोमवार रात्रि 1:24 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 जून 2024 दिन मंगलवार को रात्रि 11:12 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को जो कि चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है तो चंद्रोदय व्यापनी का समय जो कि 25 जून को प्राप्त हो रहा है तो सभी भक्तजन 25 जून 2024 दिन मंगलवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। जब भी मंगलवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत होता है तो इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। इसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। 25 जून को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 5:09 और सूर्यास्त शाम 6:52। चंद्र दर्शन का चंद्रोदय का जो समय होगा 25 जून को वह समय रात्रि 9:58 पे चंद्रोदय का समय है। इस समय में आप चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जी का इस दिन जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, गणेश जी को लाल वस्त्र या पीला वस्त्र अर्पित करें, फिर यज्ञोपवीत चढ़ाएं, यज्ञोपवीत के बाद जल से आचमनी करवाएं, फिर पुष्प पुष्पों की माला अर्पित करें। लाल पुष्प विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है तो इन्हें लाल पुष्प चढ़ाएं, फिर अक्षत अर्पित करें। भगवान गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय होता है तो सिंदूर अर्पित करें। दुर्वा दल भगवान गणेश जी को चढ़ाएं, उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करें, विशेष प्रकार से लड्डू मोदक आदि का भगवान गणेश जी को भोग लगाएं, जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। भगवान गणेश जी को जब भी नैवेद्य का भोग लगाते हैं तो दुर्वा दल डाल करके भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश जी को तुलसी दल अर्पित नहीं की जाती है, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करें, इसके बाद फिर चौथ माता का पूजन करें, चौथ माता का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, फिर अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला अर्पित करें, स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करें, ऋतुफल आदि जो भी मिल सके या दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाएं, बाद जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का चौथ माता का पूजन करके संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कथा श्रवण करें, गणेश चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें, इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करें और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं।
संकष्टी चतुर्थी के दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा का पूजन करने के बाद फिर मीठा भोजन ग्रहण करें या हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए, जो कि जौ, गेहूं, मूंग, घृत, शर्करा आदि का प्रयोग करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं चौथ माता की कहानी। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा कि माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर वहां से रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उससे कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरी बेटी की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरी बेटी की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा उसे उपहार देकर वहां से विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में वह जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम कैसे बच गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि तू सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भवरा बनूं, सुराही से निकलूं।
लड़का भबरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोग को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया और कहने लगा कि बलरे पूत काटी मेरे पेट के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी भी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोग ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे अस्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के अस्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रत्येक मास की चौथ का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, चौथ माता का पूजन करते हैं और फिर चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करते हैं, इससे भगवान गणेश और चौथ माता प्रसन्न हो करके अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर कर देती है तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।